प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत के मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार कश्मीर से याना मीर जी, और ये दोनों बात करेंगी भारत में हो रहे चुनावों पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा, तो इसे अंत तक देखें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। एक तरह से कह सकते हैं ये कन्वर्ट्स हैं, पहले हिंदू थे अब कन्वर्ट होके मुस्लिम हो गए पिछले कुछ जनरेशन से, ठीक है। इनको जो है पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है, ना इनकी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ना इनकी कोई एजुकेशनल रिफॉर्म्स में कोई इनको पूछता है कहीं भी, ना इनको जॉब्स मिलती है, इनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भी अशराफिया मुस्लिम्स के हवाले से। अशराफिया मुस्लिम्स वो है जो बाहर से, जैसे आपके यहाँ मुहाजिर जिनको कहते हैं, तो हमारे यहाँ अशराफिया मुस्लिम वो है जो जिनकी डिसेंट जो है वो विदेशी है। फॉर एग्जाम्पल सैयदीज जो है या खान्स जो है या मुगल्स, इस तरह के जो जिसके सरनेम्स हैं, तो मीर भी मैं कहूंगी कि वो पसमांदा नहीं है, सन्स ऑफ द सॉइल नहीं है, लेकिन एक तरह से मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पसमांदा मुस्लिम्स हैं वो यहीं के हैं, भारत के हैं, और इनको ना गजवाए हिंद चाहिए, इनको ना लव जिहाद में इंटरेस्ट है, इनको बस चाहिए कि भाई हमें भी इक्वल फुटेज मिले, हमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, कोई हमसे भी पूछ के देखे कि हम क्या, हमें भी जॉब्स मिले। कहा जाता है कि अशराफिया मुस्लिम्स जो बाहर से आए हुए हैं वो इन पसमांदा मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, इनके घरों में शादी नहीं करते, उठना बैठना नहीं करते इनके साथ, अच्छा स्कूल कॉलेजों में इनके नाम पे कोटा तो ले लेते हैं लेकिन इनको वो वाले कोर्सेस नहीं करने देते जिससे तरक्की हो सकती है, जैसे इंजीनियरिंग डॉक्टरी ये वाले कोर्सेस, इनको बोलते हैं अरबी में जाके डिग्री कर लो, इस्लामिक स्टडीज में डिग्री कर लो, ऐसे इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं ये अपनी सोसाइटी में। तो इनके बारे में तो मोदी जी क्लियरली बोल रहे हैं कि इनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, और ये जो है भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन 15% मुस्लिम पॉपुलेशन में से 88% पसमांदा मुस्लिम है जो हमारे अपने हैं, मोदी जी का ऐसे कहना है। लेकिन आउटसाइडर जो है वो ये वो लोग हैं जो फॉर एग्जाम्पल एक सेक्युलर इंडिया में शरिया लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेक्युलर इंडिया में अरब लॉ सिस्टम वैल्यू सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, या पाकिस्तान की जहनियत लाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर की जहनियत भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आउटसाइडर्स उन्होंने क्लियरली कहा। तो ये चीज उन्होंने अलीगढ़ के बयान में वाजिया कर दिया। और फाइनली मैं ये कहूंगी पसमांदा मुस्लिम्स के साथ भी मैंने स्टोरी की और उनसे ही वो स्टोरी आज ही रिलीज हो रही है भारत एक्सप्रेस पे, और उन्होंने खुद कहा है, ये चीज उन्होंने खुद सामने आके कही कि वो शुक्रगुजार है मोदी जी के फाइनली किसी ने तो उनका जिक्र किया, वरना अब तक वो कह रहे हैं कि अशराफिया ने हम बार बार हमें रिप्रेजेंट किया। और ये चीज कुछ कश्मीर से मिलती जुलती है, सैयद अली शाह गिलानी और उनके पपेट्स ने बहुत टाइम तक कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि सारा कश्मीर हम ही है और हम सारे जो है पाकिस्तान को चाहते हैं, लेकिन असल में जो मैक्सिमम मेजोरिटी कश्मीरीज थे, आप देखिए चाहे वो एनसी के साथ हो या जो भी हो, या चाहे वो चुप हो, चाहे वो हो जो पंडितों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे नेशनलिस्ट ही थे, और उन्हीं की वजह से आज कश्मीर सीरिया या अफगानिस्तान नहीं बन गया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर को उनके हाथों बिकने नहीं दिया। तो इस वजह से ये चीज जो है ये मुझे लगता है कि मोदी जी के अलावा बाकी के जो बीजेपी के मेंबरान हैं अफराद हैं उनको ये पोलराइजेशन की नीति बंद करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी क्लियर कर दिया है अपने कौन है पराए कौन है। और दूसरी चीज घुसपैठिया तो क्लियरली वो लोग हैं जो यहाँ के हैं ही नहीं, मतलब अशराफिया मुस्लिम भी कई आप कह लो कई दो तीन जनरेशन से यहाँ रह रहे हैं, चाहे उनकी विदेशी मानसिकता हो मगर वो यहाँ पे रह रहे हैं। घुसपैठिया वो है जो सडनली आ जाते हैं जो यहाँ के है ही नहीं, या तो बांग्लादेश के या तो पाकिस्तान के घुस के हमारी सोसाइटीज में रहते हैं, फेक आधार कार्ड ले लेते हैं, बच्चों पे बच्चे पैदा करते जाते हैं, फिर यहाँ का राशन पानी देते हैं, यहाँ के रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ के अपने लोगों को कमी आ जाती है इनकी वजह से। तो ये आप लोग तो आपके यहाँ तो वो सीमा हैदर टाइप के लोग भी जो चले गए उनको तो आप लोग रख के बैठे हुए, आप लोगों ने ना कोई एक्शन लिया ना निकाला। अब करे क्या, हमारे बेटे ने जाके ऐसे शादी कर ली, ना ना दिमाग है ना कुछ है उसको,
लड़की को ले आया, उसके चार बच्चों को भी ले, आप क्या करें? अब हमारी बहू बन गई, हम वापस भेज तो नहीं सकते उसको। लेकिन द फैक्ट इज कि इस तरह से जो लोग आते हैं, डेफिनेटली इंडिया डज नॉट सपोर्ट रेफ्यूजीज, और रेफ्यूजी के यू नो जो पूरा जो रेफ्यूजीज को लेके जो कंसर्न है पूरी दुनिया में, इंडिया उसमें मतलब भागीदारी नहीं रखता। जो यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजीज को लेके जो भी यू नो जो भी रूल्स रेगुलेशन है, इंडिया उसमें इंटरेस्टेड है नहीं। और रेफ्यूजीज को लेके हमारी थिंकिंग ऐसी है कि हमारी अपनी आबादी इतनी ज्यादा है कि हम रेफ्यूजीज नहीं चाहते, चाहे वो इकोनॉमिक फाइनेंशियल इकोनॉमिक रेफ्यूजीज क्यों ना हो, कि उनके देशों में शायद उनको मौके नहीं मिलते, नौकरियां नहीं मिलती, या जो भी है उसकी वजह से वो इंडिया में आ जाते हैं। तो वी डोंट वॉन्ट ऑल दिस, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, हम नहीं चाहते कि हमारे देश में घुसाएं। ये घुसपैठियां हैं, घुसते तो घुसते हैं, राशन भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, नौकरियां ले लेते हैं, ऊपर से वोट भी करते हैं। अब जाहिर बात है आरजू, इनकी थिंकिंग, क्योंकि ये बाहर से आए, इनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अगर ऐसे लोग वोट करने लग जाए तो हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, आप समझिए इस बात। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, लेकिन या ना लास्ट में मैं यही पूछूंगी, कहीं ना कहीं लीडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो अपना जो भी भाषण देते हैं या कोई भी तकरीर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एहतियात करेंगे, जो पब्लिक है वो हर्ट ना हो। अब मोदी जी के बहुत फैन पाकिस्तान में भी है, लेकिन उन्होंने जो बात की थी उससे उसका कुछ मतलब जरूर निकला था। वो ठीक है, बाद में वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शुरू में आपको लगता है कि इनके एडवाइजर्स वगैरह को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। पता नहीं उनके एडवाइजर्स कौन है, बट दे आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को पार्टी में लेना, वॉशिंग मशीन कैंडिडेट्स को पार्टी में लेना, या इस तरह की मतलब पता नहीं क्या, या लास्ट मिनट कैंडिडेट्स बदल देना, नए कैंडिडेट्स को लाना, बहुत सारे ऐसी चीजें। फिर पोलराइजेशन की हद, जहां पे इनको लगता है कि इनका जो काउंटर रिस्पॉन्स होता है वो हिंदू से होता है, हो जाता है। कहीं पे किसी ने किसी हिंदू महिला पे अत्याचार किया, कहीं पे किसी ने ये किया वो किया, जुल्म किया, तो उसको सामने लाके, अरे जिसने जुल्म किया, जिसने अत्याचार किया, वो क्रिमिनल है। और क्रिमिनल किसी भी तबके का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मुस्लिम ही हो। लेकिन ऐसे दिखाना कि मुस्लिम्स आर ट्रबल मेकर्स एंड बीजेपी इज फाइटिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स, जब भी इनको कोई बीजेपी सपोर्टर भी क्रिटिसाइज करता है कि भाई आपने ऐसे क्यों किया, तो फिर इनको याद दिलाया जाता है, भूलना मत कि हम ही हैं जो देश को मुस्लिमों से मुक्त कर सकते हैं। वो एक चीज सामने लाई जाती है, कम से कम सोशल मीडिया पे तो यही हो रहा है। तो इस तरह की चीजें, जो भी उनका आईटी सेल संभाल रहा है, जो भी उनको एडवाइस कर रहा है, मुझे लगता है इज डूइंग अ वेरी बैड जॉब। जी बिल्कुल ऐसा ही, और ऐसा करने से उनके अपने लीडर का जो इम्प्रेशन एक बना हुआ है वही खराब हो रही है, उनकी इमेज जो है वो खराब हो रही है मोदी जी की, और कोई फायदा नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच याना कि आपने आज ज्वाइन किया, आई नो कि बहुत बिजी शेड्यूल है, फिर भी आप आई, बहुत शुक्रिया। जल्दी फिर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और याना मीर जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहाँ पे दोनों ने बात की चुनावों की गर्मा गर्मी पे, खासकर याना मीर ने यह बताया कि मोदी सरकार के आने की वजह से कश्मीर में काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं और डेवलपमेंट हुई है, पर एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश के लिए घुसपैठियों का है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नोटिस किया था और हम सबके सामने उसकी बात भी की थी। और सही कहा याना मीर ने कि प्रॉब्लम घुसपैठियों से है और हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन हमारे अपने हैं और कौन घुसपैठिए हैं। और जैसे कि याना मीर ने कहा कि खुद की हमारे देश की आबादी इतनी है कि हमें बाहर से रेफ्यूजीज की जरूरत नहीं है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।